अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फरहान खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं नई नई वीडियोस प्रिंट प्रिंटर और शीट्स के ताल्लुक से। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो आनी चाहिए कम से कम। दोस्तों मैंने आपको पहले गमिंग ट्रांसपेरेंट शीट के बारे में भी वीडियो दिखाई थी और नॉन गमिंग के बारे में भी। दोस्तों नॉन गमिंग ट्रांसपेरेंट है, गमिंग शीट नहीं है, इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होगी। एक एक्सपेरिमेंट दोस्तों मैं ये करना चाहता हूँ इस पे कि जो हमारे लाइट बॉक्स आते हैं एक तरीके से बोर्ड तैयार होते हैं, तो हम उसके बैक साइड पे इस बल्ब पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस पे पहले हम प्रिंट लेंगे इंकजेट प्रिंटर से और फिर उसके बाद इसकी गोल कटिंग करेंगे। गोल कटिंग करने के बाद इसे यहाँ लगा कर देखेंगे कि ये कामयाब होती है या नहीं, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसे 18 इंच से ज़्यादा में प्रोवाइड करा सकूं आपको। और अगर 18 इंच से ज़्यादा में हो जाती है तो काफ़ी काम इससे आसान हो जाएगा। आप इससे आमतौर पे जो फ्रेम वगैरह बनते हैं उसमें भी जो है दोस्तों लाइटिंग के पर्पज़ से इसे यूज़ किया जा सकता है। बैक में चाइनीज़ लाइट आती हैं या बल्ब वगैरह लगा कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने भी अब तक प्रैक्टिकल नहीं किया है, चलिए देखते हैं इसकी प्रिंटिंग और उसके बाद फिर देखेंगे कि रोशनी से किस तरीके से प्रिंट इस पर चमकता है। दोस्तों मैंने आपको पहचान बताई है इंकजेट की पहले भी। आमतौर पे ज़्यादातर शीट्स में ये देखा गया है कि अगर चिपकाहट है शीट के ऊपर तो वो इंकजेट पर प्रिंट हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास कोई ब्रांड की शीट नहीं है, आप नहीं जानते कि ये इंकजेट है या नहीं, तो मोस्टली आपको ये पता चल जाएगा जबान से टच कर कर कि वो इंकजेट से प्रिंट होगी या नहीं। जैसे हमने यहाँ जबान लगाई तो कोई चिपकाहट जबान पर नहीं आई, यहाँ से दोस्तों ये प्रिंट होगी, यानी कि इस तरफ चिपकाहट है, कोटिंग इस पर हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रिंटिंग, उसके बाद करते हैं एक्सपेरिमेंट। ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया कि आपको लाइटिंग के लिए इसका यूज़ करना है, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। बस आप ये देख सकते हैं कि जो गमिंग शीट आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट में, ये उसी टाइप की शीट है, सिर्फ इसके पीछे गम नहीं मिलेगा आपको, यानी कि ये गमिंग नहीं है। तो ये जिस पर्पज़ के लिए मैंने निकाला था मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, लेकिन क्वालिटी देखिए दोस्तों आप किस शानदार क्वालिटी के साथ ये निकल रहा है, कितनी शानदार क्वालिटी है। इंकजेट प्रिंटेबल शीट है दोस्तों ये। आप पहले इस शीट का मजा लीजिए दोस्तों, कितनी शानदार शीट है दोस्तों, बहुत ही शानदार। आम तौर पे इतनी शानदार प्रिंटिंग आपको आसानी के साथ नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं। गेट रिगारो दोस्तों, ये हमारा एक डोमेन है। तो दोस्तों हमारी शीट निकल गई थी, उसके बाद ये सर्किल हमने कट कर लिया है, इसमें से हांड टॉक्स गेट रिगारो और printongift.com आप देख सकते हैं। अब हम इसे दोस्तों ये लाइट बंद करके यहाँ पर सेट करेंगे। ये दोस्तों इन्हें चेंज कर दिया है यहाँ से, पहले वो कुछ टेक्सचर वाला था, उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी, तो अब ये बिल्कुल क्लियर आएगा और उसके बाद फिर हम लाइट बंद करके देखेंगे कितना ये चमकता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर इसे लगा दिया है और अब हम लाइट बंद करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये कामयाब है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार चमक आ रही है। हान टॉक्स एंटिक गेट रिगालो शॉप www.printongift.com। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार शीट रही है, आप गौर से देखिए, एक बल्ब है, सिर्फ एक बल्ब, और कितना शानदार ये चमक रहा है, आप देख सकते हैं अब भी। तो दोस्तों बहरहाल कहने का ताल्लुक ये है, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है और आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि 12-18 से ज्यादा साइज ये मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। हालांकि फिलहाल मैं आपको 12-18 या A4 में ही दे सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।